आयशाज कुक बुक में अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए यहाँ पर मैंने पास दो केरियाँ ली हैं, यानी कि दो कच्चे आम लिए हैं। उनको अच्छे से वॉश करके पील करके मैंने श्रेड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन रख लिया है और सबसे पहले ये क्रश की हुई केरियाँ मैं इसमें ऐड करूँगी। ये ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप भर के शुगर। अगर आप चाहें तो आप गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करूँगी, अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता पानी रिलीज़ हो रहा है। अभी मैंने चूल्हे पे नहीं रखा। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर। अगेन मिक्स करेंगे। नमक डालने के बाद कि आप देख सकते हैं मज़ीद पानी रिलीज़ हुआ है। अब मैं इसको रखती हूँ चूल्हे पे, मीडियम फ्लेम पे मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन हम चम्मच भी चलाते रहेंगे और इसको इतना करेंगे कुक के ये जो पानी है ये रिलीज़ होने के बाद ड्राई हो जाए। साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम 8 से 10 मिनट हुए, चूल्हे का फ्लेम स्लो ही था। ये आप देख सकते हैं आम भी अच्छे से सॉफ्ट है और पानी भी जो रिलीज़ हुआ था वो अब आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। मज़ीद 2 मिनट गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये देखें इसमें थिकनेस आ रही है। अब इस पॉइंट पे चूल्हे का फ्लेम स्लो से मैंने मीडियम कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें है ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और क्रश की हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं मज़ीद हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। क्योंकि चीनी और आम हम वज़न थे और जो चाशनी है वो एक तार के बराबर मैक्सिमम होनी चाहिए। मज़ीद 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारी चाशनी भी एक तार के बराबर हो गई है। अपने चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के। ये ऑप्शनल हैं, टोटली आप करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे पास ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी है, ये ऐड कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। ये डालने का मकसद ये है तो एक तो कलौंजी है भी बेनिफिशियल और दूसरा गुड लुकिंग के लिए, इसके सीड्स अच्छे लगेंगे इसमें। मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद चूल्हे से मैंने इसको उतार दिया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको डिश आउट करते हैं और ठंडी होने पे इसकी थिकनेस मज़ीद बढ़ेगी। डिश आउट करने के बाद ये है जी हमारी चटनी की फाइनल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ही यमी टेस्टी और मज़ेदार। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और कमेंट मत करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।